पिछले कुछ समय से एक तमिल फिल्म जय भीम की हर जगह चर्चा हो रही है। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार सूर्या की यह फिल्म न्याय के लिए एक आदिवासी दलित महिला के संघर्ष को दर्शाती है। महाराष्ट्र में अंबेडकर आंदोलन के लाखों कार्यकर्ता और अंबेडकर के साथ भावनात्मक बंधन रखने वाले एक दूसरे से मिलते वक्त जय भीम कहते हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने में जय भीम शब्द पर हजारों नहीं बल्कि लाखों गीत गाए जाते हैं। हालांकि तमिलनाडु में यह एक शब्द फिलहाल लोगों को दीवाना बना रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का मूल नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। अंबेडकर आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध लोग उनके सम्मान में उन्हें जय भीम कहते हैं। जय भीम केवल अभिवादन का शब्द नहीं है बल्कि आज यह अंबेडकर आंदोलन का नारा बन गया है। अंबेडकरवादी आंदोलन के कार्यकर्ता इस शब्द को आंदोलन की संजीवनी कहते हैं। अभिवादन और सम्मान का शब्द कैसे क्रांति का प्रतीक बना, इसका सफर भी दिलचस्प है। यह नारा कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे पूरे भारत में फैल गया। जय भीम का नारा सबसे पहले अंबेडकर आंदोलन के एक कार्यकर्ता बाबू हरदास एलेन लक्ष्मण नागराले ने 1935 में दिया था। बाबू हरदास सेंट्रल प्रोविंस बरार परिषद के विधायक थे और बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों का पालन करने वाले एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। नासिक के कालाराम मंदिर में लड़ाई चावदार झील के सत्याग्रह के कारण डॉक्टर अंबेडकर का नाम हर घर में पहुंच चुका था। इसके बाद महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर ने जिन दलित नेताओं को आगे बढ़ाया, बाबू हरदास उनमें एक थे। गुंडागर्दी करने वाले असामाजिक लोगों को नियंत्रण में लाने और समानता के विचारों को हर गांव में फैलाने के लिए अंबेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। बाबू हरदास समता सैनिक दल के सचिव थे। जय भीम का नारा अस्तित्व में कैसे आया, इस सवाल के जवाब में दलित पैंथर के सह संस्थापक जेबी पवार कहते हैं, बाबू हरदास ने कमाठी और नागपुर क्षेत्र से कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाया था। उन्होंने इस बल के स्वयंसेवकों को नमस्कार, राम राम या जौहर माया बाप की जगह जय भीम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करने और जवाब देने के लिए कहा था। पवार बताते हैं, उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि जय भीम के जवाब में बाल भीम कहा जाना चाहिए, जैसे मुसलमान सलाम वालेकुम का जवाब देते समय वालेकुम सलाम कहते हैं। उनका बनाया रास्ता आदर्श बन गया। पवार ने राजा ढाले नामदेव ढसाल के साथ काम किया है और दलित पैंथर पर उनकी किताब भी प्रकाशित है। उन्होंने यह भी कहा, 1938 में औरंगाबाद जिले के कन्नर तालुका के मकरानपुर में अंबेडकर आंदोलन के कार्यकर्ता भावसाहेब मोरे द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भी उपस्थित थे। बाबू हरदास ने यह नारा दिया था जबकि भावसाहेब मोरे ने इस नारे का समर्थन किया था। जब बाबा साहेब को सीधे जय भीम कहा जाता था, अंबेडकर के जीवन काल में ही जय भीम का अभिवादन शुरू हुआ। आंदोलन के कार्यकर्ता एक दूसरे को जय भीम कहते थे। महाराष्ट्र के पूर्व न्यायाधीश सुरेश घोरपोड़े के मुताबिक एक कार्यकर्ता ने अंबेडकर को सीधे जय भीम कहकर संबोधित किया था। सुरेश घोरपोड़े सत्र न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विदर्भ में दलित आंदोलन के विद्वान हैं। उन्होंने अब तक बाबू हरदास के कार्यों पर लिखा और उन पर व्याख्यान दिया है। वो बताते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा पूरे महाराष्ट्र में दलितों के उत्थान के लिए शुरू किए गए आंदोलन में कई युवाओं ने स्वतः स्फूर्त भाग लिया। उनमें से एक बाबू हरदास एलेन थे। जय भीम का नारा देने वाले बाबू हरदास एलेन, उनका जन्म 1904 में हुआ था और 1920 में सामाजिक आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने नागपुर के पटवर्धन हाई स्कूल से मैट्रिक तक की पढ़ाई की। उन्हें जय भीम प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। अंबेडकर से प्रेरित होकर बाबू हरदास ने 1924 में कमाठी में संत चोखमेला छात्रावास की स्थापना की। इसने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को आवास प्रदान किया। उन्होंने मेहनत मजदूरी करने वाले छात्रों के लिए रात्रिकालीन स्कूल भी शुरू किए। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने 1925 में बीड़ी वर्कर्स यूनियन की स्थापना की। विदर्भ के दलित और आदिवासी समुदायों के लोग तेंदू पत्ता इकट्ठा करते थे, बीड़ी कारखानों में काम करते थे और साथ ही घर घर में बीड़ी बनाते थे। बीड़ी निर्माता और ठेकेदार मजदूरों का शोषण कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि जिसका जो हक है वो पैसा उन्हें दो। बीड़ी मजदूर संघ का कार्य केवल विदर्भ तक ही सीमित नहीं रहा, एक धनी व्यक्ति उनके विरुद्ध खड़ा हो गया। इस व्यक्ति को वसंत मून ने लाला कहा है।
एक कार्यकर्ता ने हरदास से संपर्क किया और उनसे अपनी उम्मीदवारी वापस लेने को कहा। उन्होंने इसके लिए पैसों की पेशकश की गई, लेकिन हरदास ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा, मैं अंबेडकर के पक्ष में खड़ा हूँ, हमने कभी भीख मांगना नहीं छोड़ा, अब हमें हमारा हक मिलेगा। वसंत मून की पुस्तक में यह कहानी यही खत्म नहीं होती है। लालाओं ने तब बब्बू उस्ताद नामक एक भारी भरकम पहलवान को बाबू हरदास के पास भेजा। उन्होंने बाबू हरदास से कहा, सेठ जी ने आपकी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए 10,000 रुपए भेजे हैं। यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो वे आपको मार देंगे। इस पर हरदास ने कहा, मैं जानता हूं कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो वे नहीं बचेंगे। इस पर बब्बू उस्ताद ने कहा कि यह अगली बात होगी, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद इसका क्या फायदा। हरदास इससे भी पीछे नहीं हटे। आगे देखते हैं कि क्या होता है। इतना कहकर बब्बू उस्ताद चले गए। सेठ के पैसे और ताकत के बावजूद बाबू हरदास चुनाव जीत गए और सेंट्रल प्रोविंस बरार की परिषद में सदस्य बने। 1939 में तपेदिक से उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में दलितों और मजदूरों की भीड़ जमा हो गई थी। कमाठी और नागपुर क्षेत्र से दलित आए थे, साथ ही भंडारा और चंद्रपुर क्षेत्र के बीड़ी मजदूर भी अंतिम दर्शन देने कमाठी आए। रिटायर्ड जस्टिस घोरपोड़े कहते हैं, उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, मेरा दाहिना हाथ चला गया। कमाठी में करहन नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और कमाठी में ही उनका स्मारक बनाया गया है। मून ने लिखा है, हरदास एक धूमकेतु की तरह आकाश में चमक रहे थे। उनकी रोशनी से दूसरों को रास्ता मिल रहा था, लेकिन यह एक पल में वे गायब हो गए। सुबोध नागदेव की मराठी फिल्म बोले इंडिया जय भीम भी बाबू हरदास के जीवन पर आधारित है। जय भीम संघर्ष का प्रतीक बना। यह एक सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ एक राजनीतिक पहचान भी बन गया है। मुझे लगता है कि यह क्रांति की समग्र पहचान बन चुका है। इसके साथ ही जय भीम आंदोलन का भी प्रतीक बन गया है। यदि आप सूर्या की फिल्म देखते हैं तो आप देखेंगे कि जय भीम शब्द का प्रयोग सीधे तौर पर नहीं किया गया है, बल्कि जय भीम को क्रांति के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मधु कांबले को जय भीम शब्द अंबेडकर आंदोलन में तत्परता का प्रतीक लगता है। मधु कांबले ने कहा, जय भीम कहना सिर्फ नमस्कार नमस्ते की तरह नहीं है, यह आसान नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वो अंबेडकरवादी विचारधारा के करीब है। यह शब्द बताता है कि जहां भी लड़ने की जरूरत होगी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। जय भीम का नारा हिंदी भाषी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आसानी से सुना जा सकता है। अंबेडकर के विचार पंजाब में भी फैले हुए हैं। इस जगह न केवल नारे गाए जाते हैं, बल्कि लोकप्रिय गायिका गिन्नी माही ने भी 9 बार साड़ी बदलकर जय भीम बोलो जय भीम गाया है। उत्तर प्रदेश में युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने अपने संगठन का नाम भीम आर्मी रखा है। जब दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें लहराई। यह संकेत है कि जय भीम का नारा किसी एक समुदाय और भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है।